सर, पकड़ने वाले को 50,000 का इनाम। क्या खाले? डाकू मशहूर सिंह। अरे अपने भाग में तो 5 रुपए 12 अंक का चेक है, इसे पहले भुना ले, फिर 50,000 के इनाम के बारे में सोचेंगे। लेकिन भी अगर इस डाकू को पकड़ ले और 50,000 हासिल कर ले तो भवानी, ये सपने कभी सच नहीं होते, और खासकर दिन के सपने। चल बैंक खुलने का वक्त हो गया। देख ले, यही है वो डाकू मशहूर सिंह जिसके पास हमें ठीक 11 बजे पहुंचना है। लेकिन वो लॉन्ड्री तो खुली ही नहीं, कपड़े क्या पहने हैं? अरे खुल जाएगी लॉन्ड्री भी, अभी तो 10:15 ही बजे है। लॉन्ड्री तो रोज 9 बजे खुल जाती है ना। आज पता नहीं क्या हो गया। आज का काम बन जाए तो प्यारे 10,000 रुपए मिलेंगे। फिर गोली मार इस लॉन्ड्री को, 4-5 नए कपड़ों के जोड़े बनवा लेंगे, ऐसी की तैसी। हाँ यार, धंधे के लिए हमेशा एक ही जोड़ा कपड़ा धुलवा धुलवा कर तंग आ गए। चल जाकर लॉन्ड्री पर ही खड़े रहते हैं, खुलते ही ले लेंगे कपड़े। धुलाई के पैसे हैं? हाँ यार पैसे उधार रखेंगे और क्या। चलो हाथ ऊपर करो सब, सब एक साथ। अबे इधर चल। ओए मेम साहब, जरा भी कोई हिला तो गोली से उड़ा दूंगा। 11 बज गए, कमबख्तों का अभी तक पता नहीं, ऐसे का धंधा होता है? ए! देखिए हमें तो खबर मिली थी कि आप एक बैंक में एक ही बार डाका डालने आते हैं, हमारे यहां तो दूसरी बार आ गए, ये तो उसूल के खिलाफ है। महंगाई का मालूम क्या हाल है, एक बैंक में एक बार डाके से काम नहीं चलता, वो जमाना गया। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आजकल गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। बताइए बहन जी, इन बैंक मैनेजरों को क्या मालूम आटे दाल का भाव क्या है? ये मेरे कपड़े देख रही है, गोलियों के कितने छेद हैं, लेकिन क्या करूं, नए बनवाने की हैसियत नहीं, बस इसी से काम चला रहा हूं। ऐ मम्मी मम्मी, मुझको अंकल वाली गन चाहिए। चुप, अंकल जी को अपना काम करने दे। ये रहे हमारे बैंक के रक्षक, सो रहे हैं, इसलिए तो बैंक में इतनी डकैतियां होती है। ये हैं तो बेहोश है। मशहूर सिंह डाकू है, बैंक रुक रहा है। कौन? 50,000 में। हाँ हाँ, चलो उसे पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? उस पर पिस्तौल है, गोली तोड़ा देगा। तो फिर चलो पुलिस में रिपोर्ट करते, तब तक तो वो बैंक रुक के भाग भी जाएगा। तो फिर क्या करें? 50,000 रुपए हाथ में आ रहे हैं, हम उसे ऐसे ही हमें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वक्त भी बहुत कम है। भी एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में शर्लक होम्स क्या कहता है? शर्लक होम्स, हाँ, ऐसी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए जिससे ये मशहूर सिंह टिका रहे कम से कम आधा घंटा। उसके लिए अब अच्छे ड्राइवर देना। तुम दोनों को ऑटोग्राफ लेने का शौक है? लेकिन आपको ऑटोग्राफ लेके हम क्या करेंगे, आप तो फिल्म स्टार नहीं हैं। मैं नहीं तो क्या, अंदर बैंक में बहुत बड़ा स्टार है, जाओ उसको ऑटोग्राफ लो। क्या कर रहा है? शूटिंग हो रही है। किसका शूटिंग? कौन सा फिल्म स्टार है? अरे फिल्म स्टार का बाप है, जाके देखो तो सही। चल कविता, आप देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। चल चल चल, तू जल्दी जाकर कहीं से पुलिस को टेल फोन कर ले, जल्दी बात बता। अरे ये क्या देखा तू, जा। अरे ये तो नहीं है, जिसकी तस्वीर चारों तरफ लगी हुई है। अरे नहीं, वो कैसे हो सकता है? जरा शक्ल तो देखो, वही नोची, वही पगड़ी, वही टीका, ये तो मशहूर सिंह ही है। मशहूर सिंह तो उसका ऑटोग्राफ लेना ही चाहिए, स्कूल में किसी के पास उसका ऑटोग्राफ नहीं होगा। चल पूछते हैं। मैम साहब, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मशहूर मशहूर सिंह है? हाँ, क्यों? हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ? मैं ऑटोग्राफ सिर्फ फोटोग्राफ पे देता हूँ। लेकिन अभी हम आपका फोटोग्राफ कहाँ से ले आए? शहर में चारों तरफ लगे हैं, ले आओ कहीं से एक। थैंक यू मशहूर सिंह जी। चल हाँ।
और आप प्लीज जाइएगा मत, मैं अपनी चाची को भी ले आती हूँ, वो आपकी बड़ी फैन है। थैंक यू। अरे भाई साहब, घड़ी तो है आपके पास, देखिए ना। ये बंद है 11:10। अरे सुनिए 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 तो सही, क्या है आपको क्या देखा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं दैनिक भारत का रिपोर्टर हूँ और एक जरूरी कवरेज सितारा हूँ, समझे? अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे आप ही का इंतजार था, एक बहुत बड़ा स्कूप है स्कूप, आप बैंक के अंदर जाके देखिए और आंखों देखा हाल अपने अखबार में छापिए। कोई डाका डाला है क्या जो देखूं? तो बिल्कुल डाका ही डाला जा रहा है। आपने मशहूर सिंह का नाम सुना? हाँ। वो है अंदर। क्या अंदर मशहूर सिंह डाका डाल रहा है? सच सच। अरे जाके देखिए ना, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए और इंटरव्यू पूरी तरह से लीजिए, जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सवा 11 हो गए, कम्बक पता नहीं कहां है, किरायों के आदमियों का यही लफड़ा होता है, है? ज्यादा हिलना डुलना नहीं। अरे ये क्या गलत कर रहे हैं मशहूर सिंह जी, एक पत्रकार को गोली, सारा नेशनल प्रेस आपके खिलाफ हो जाएगा। यहां क्यों घुस आए? माफ कीजिएगा, आप बंबई पधारे हुए हैं, हमें मालूम ही नहीं था, आपसे मुलाकात का ऐसा सुनहरी मौका किसी को नहीं मिलता। आपके इंटरव्यू के लिए तो लंदन बीबीसी मुझे मुमांगा दाम देंगे, तो इंटरव्यू शुरू करूं? मशहूर सिंह आपका असली नाम है या बिजनेस के लिए रखा हुआ है? काम के वक्त कोई इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू लेना है तो चंबल आइए, गुफा नंबर 211। चंबल से सुना है कोई वापस नहीं आता, बीबीसी के आदमी आज ही आए हैं, कल वापस चले जाएंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है पूछो, जल्दी पूछो। मम्मी मम्मी आपका अंकल की गंदा ना। चुप रहे। आपका बचपन कैसे बीता? मैं 1 साल का था तब मेरे बाप ने मुझे गुलेल दी, उस गुलेल से डराकर मैंने एक 4 साल के बच्चे की बंदूक छीन, कांच की बंदूक, उस बंदूक से मैंने खिलौने वाले से एक झुंझुना छीन लिया। क्या है? देखिए मैं कुछ दिनों बाद रिटायर होने वाला हूँ, बहुत मेहरबानी होगी अगर ये डाका आप कुछ महीनों के लिए मुलतवी कर दें, मेरी नौकरी का सवाल है। आपको अपनी नौकरी की पड़ी है? जरा हमारी मजबूरी पर गौर कीजिए, आपके काम करने वाले बैंक खुलते ही पहुंच जाते हैं, रजिस्टर पर दस्तखत करते हैं, 10 से 5 बजे तक काम करते हैं, हमारे काम करने वाले पता नहीं कम्बक कहां मर गए। मुल्क में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन, अरे पुलिस स्टेशन। ए भाई साहब, टेलीफोन करने को आए हो या तोड़ने को? चलो जाओ यहाँ से, ये प्राइवेट टेलीफोन है, चले आते फोन करने। भारत के भावी डाकुओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो यही कहूंगा कि भैया इस धंधे में अब कोई बरकत नहीं, 1 सेठ और 100 डाकू, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, इनकम टैक्स ना देने का फायदा जरूर है, लेकिन आजकल कौन देता है इनकम टैक्स? फिर ना प्रोविडेंट फंड, ना ग्रेजुटी, ना बोनस, छुट्टी तो है ही नहीं, 24 घंटे सर्विस, और आजकल ट्रांसपोर्ट की समस्या बहुत ही बढ़ गई है, अच्छी नस्ल के सब घोड़े ससुर रेसकोर्स में लग गए हैं, धंधा कोई खा करेगा? ये लीजिए सर, सारा कैश इकट्ठा हो गया, इतना कैश पड़ा है और मुझसे कह रहे हो कुछ मैंने बाधा हो, ये सब मैं कैसे ले जाऊंगा? पता नहीं साले कहां जम गए। अरे मैडम सुनिए सुनिए, आपको मालूम है बैंक में डाका डाला जा रहा है? अच्छा हाँ, तो स्कूल के बच्चों को दिखाने में डाका कैसे डाला जाता है? चलो बच्चों आज हम तुम्हें बैंक का डाका दिखाएंगे। देखो बच्चों, ये बैंक का गार्ड है, चौकीदार सो रहा है। देखो बच्चों, ये डाकू है, इसकी मूंछें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं,
कल स्कूल में ड्राइंग की क्लास में इसी की तस्वीर बनाना। आओ आ जाओ, चलो इधर लाइन से खड़े हो जाओ, बिल्कुल चुपचाप, आवाज नहीं करना। अब हम देखेंगे कि डाका कैसे डालते हैं, कोई आवाज नहीं करना, समझे? मम्मी मम्मी, एक अंकल जी की कंसू नहीं देती। जब देखो ये चाहिए वो चाहिए, फिर देखना कभी डाके में लेके गई तो। हेलो पुलिस स्टेशन, क्या टीवी स्टेशन? सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे स्टेशन डायरेक्टर से जरूरी बात करनी है, प्लीज। अरे चाय वाले जरा अंदर चाय चाहिए। लो चाय वाला भी आ गया। स्कूल के बच्चे, अखबार नवाज, ऑटोग्राफ वाले सब आ सकते हैं, लेकिन हमारे अपने आदमी गायब। पहले जरा चाय पिला। ₹1.50 इतनी चाय का 1.5 रुपया? सब दुकानदारी करता है या डाका डाल रहा है? सब साले हमारे धंधे पे झपट रहे। ले बात है 98.50 देना, और बाजू आठ, यहां इंटरव्यू चल रही है। हाँ, बॉम्बे की क्राइम की दुनिया के बारे में आपकी क्या राय है? बॉम्बे में सब साले क्राइम सरकारी नौकरी की तरह करते हैं। आप देखिए ना, बंबई के सबसे बड़े दादा को कहा था ठीक 11 बजे 2 आदमी भेज दे, 11:30 हो गए कुछ पता नहीं, पेशगी पहले ही रखवा ली। बाकी राशन का उधर रख। ले हट, पुलिस को खबर कर देना। नहीं, पुलिस स्टेशन मिला ही नहीं। अरे मैंने दूरदर्शन को खबर पहुंचा दिया, बस वो लोग आने ही वाले हैं, कल तक सारी न्यूज आ जाएगी और हमें भी कहीं कैमरा के सामने खबर डाले। बेवकूफ, 11:30 बज गए, उड़ा को कहीं निकल भागे था। चल हम ही कुछ करते हैं अंदर। आ कैश काउंटर किधर है? लो आ गए दामाद लोग, और कपड़े देखो जैसे मुजरा सुनने आए हैं। आप भी कैशियर हैं? अबे ये कैशियर के बच्चे, इधर आओ। एक तो साले देर से आते हो, ऊपर से भाव खा रहे हो, चलो पैसा उठाओ। भगवान है कैश होता। बाकी पैसा तुम्हारा बाप उठाएगा। हमारा चेक है 5 रुपए 12 नके से ज्यादा नहीं। 20,000 रुपए पेशगी दी है तुम्हारे उस्ताद को, इसलिए नहीं कि तुम 5 रुपए उठा लो। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है, या मैं पहली बार डाका डाल रहा हूं? उठाओ सब रुपए। मम्मी मम्मी, मैं का अंकल की कर दो ना। अरे दे दो ना, कितने प्यार से मांग रहा है बेचारा। ले उठा ले। दिशा, 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 दबली, 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 दबली। ओ, ये नवाब के औलाद, एक तो 2 घंटा देर से आए हैं, ऊपर से 5 रुपए उठाएंगे, अब तो मेरी पिस्तौल उठाकर बच्चे को पकड़ा दी। एक और सवाल। चुप है। अबे खड़े क्या हो, भागो पकड़ बच्चे को, पिस्तौल भरी हुई है, भागो। चलो चलो उधर कैमरा लगा, बाजू हट जाओ सब लोग। अरे तुम फील्ड में रहते, बाजू हट जाओ। तुम में से डाकू कौन है? डाका कौन डाल रहा है? तुम डाल रहे? मैं यहाँ का कैशियर हूँ सर। कैशियर है? कमाल है, शक्ल से तो डाकू लगता है। डाका मैं डाल रहा हूँ, कैमरा इधर फोकस कीजिए। मेरा आखिरी सवाल। अब ऐसे, अब टीवी आ गई है, अखबार वालों का काम खत्म। सॉरी सॉरी मशहूर सिंह जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। चलो अब मैं सारे अखबार वालों को छुट्टी कर दूंगा। सॉरी यहाँ सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं तो समझा आप भी वो लोन मेला वाले उम्मीदवार हैं। जरा एक मिनट, मेकअप। आप यहाँ आइए, इन नोटों के गड्ढे की तरफ, यहाँ से शायद ठीक लगेगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ आइए। रेडी? हाँ शुरू करो। आप पहले और दूसरे डाके के बीच में कितना अंतर रखते हैं? अरे ये तो फैमिली प्लानिंग का सवाल है। अरे मैडम ये डकैती का मामला है, सवाल ठीक से पूछो। कैमरा रोलिंग, एक्शन। आप डकैती में कौन सा हथियार इस्तेमाल करते हैं? कोई भी,
बंदूक, पिस्तौल, तलवार, डंडा, झापड़, लाज, जूता। लेकिन इस वक्त क्या इस्तेमाल किया है? देसी पिस्तौल है। देश का पैसा देसी पिस्तौल से लूटो, यही हमारा स्वदेशी नारा है। बैंक से कुछ कोऑपरेशन मिलता है? बिल्कुल नहीं। हमें कितनी दूर चंबल से यहाँ डाका डालने आना पड़ता है, बीहड़ जंगल, दुर्गम रास्ते, बस, ट्रेन, भीड़ भाड़, 5-6 दिन का रास्ता, ऊपर से खर्चा अलग। और यहाँ आकर पता चलता है बैंक में स्ट्राइक, बैंक बंद। ये बैंक वाले ऐसे गैर जिम्मेदारी से काम करेंगे तो कैसे चलेगा? आप भी करो ना। मैं क्यों करूं? मैं आपको कोई मार दूंगा। आप भी कुछ कीजिए ना, आपकी ये तो सुनता है, गन असली है, कुछ हो ना चाहे। बबलू बेटा, इसे गिराता हूँ मैं, मुझे बंदूक दे। बबलू, अरे तुम दोनों क्या बच्चों की तरह भाग दौड़ कर रहे हो? ये रुपया क्या मैं ढोकर ले जाऊंगा? देखो चाची, ये है मशहूर सिंह, हम आपका पोस्टर लाए हैं और जगह दीजिए। हाँ, इंक पैड लाइयो। इंक पैड किस लिए? अरे हम लोगों को तुम्हारी तरह लिखाई पढ़ाई करने का वक्त कहाँ मिलता है, हम अंगूठा छाप है। बबलू बबलू करते हैं, कुछ जल्दी बबलू, क्यों सब करता है बबलू बेटा? अरे कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तू जब छोटा था तो हमारे गांव में अपने बाप के साथ डाका डालने आया था, याद है तुझे? हाँ सब याद है। माँ जी आप मुझे मेरा काम करने दो। हाँ हाँ बेटा, कर ले अपना काम, हम तो यही चाहते हैं कि तेरे काम में तरक्की हो, खूब बड़ा नाम हो तेरा, जुग जुग जिए। चल बेटा, आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई, चल। आजाद, देरी के लिए हमें माफ किया जाए, हमें हमारे उस्ताद ने मसरूर सिंह की मदद के लिए भेजा है, ये देखिए। अच्छा तो तुम लोग हो, तुम्हारे उस्ताद ने 20,000 रुपए एडवांस लिया है और पहनने को ये दिया है। बात ये है कि हमारे धंधे की वर्दी तो चड्डी लुंगी पहनकर डाका डालने चले हैं, शरीफ औरतें क्या सोचेंगी, हम लोग सब लोफर है। ये ठीक कह रहे, काम के समय कपड़े तो ठीक होने चाहिए। कौन समझाए इन्हें, बदनाम कर रखा है हमारे धंधे को। कम से कम अपने करियर का तो ख्याल रखो, चलो उठाओ कैश। हाँ चलो। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, एक चट्टी पहना हुआ आदमी टीवी में, टीवी की थी क्या कहेंगे? कट 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 कट, तुम क्या कर रहे हैं, चट्टी टीवी पे नहीं चलेगा, कोई अच्छा कपड़ा वाला को खड़ा करो। मेरे कपड़े अच्छे, मैं चलूं? हाँ तुम ठीक है, जाओ फिर से रुपया बोरे में डालो। मैडम तुम इधर आ जाओ। उठाएगा या हमारा आदमी नहीं है? ओफो, ये सिर्फ टीवी के लिए है भाई, कवरेज के बाद कोई भी आदमी रुपया लूट सकता है, हमको क्या करने का है? बाबा हमको हमारा काम पता के जल्दी जाने दो, प्लीज हट जाओ। अरे काली अचकन, जल्दी जाके शुरू हो जाना। कैमरा एक्शन। तुम्हारा खेल खत्म हुआ मशहूर सिंह। खेल? इसे तुम खेल कहते हो, धंधा है हमारा। अरे मालूम मालूम, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। ये डाकू मशहूर सिंह खतरनाक आदमी है, 50,000 इनाम वाला। हाँ। हमने इसे पकड़ा है। हाँ। देख क्या रहे हो, तस्वीर खींचो। हैंड्स अप, तुम लोगों का खेल खत्म हो गया, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अरे भगवान, तूने तो कहा था पुलिस नहीं आ रही, कैसे आ गई? क्या पता। अरे पुलिस को हमने बुलाया है, आखिर बैंक में असली डाके की शूटिंग है, पुलिस प्रोटेक्शन तो मांगता है क्या नहीं, ऐसे रिस्क कौन लेगा? थैंक यू इंस्पेक्टर, अभी हमारा खेल भी खत्म हो चुका, अभी तुम जा सकता है, धन्यवाद। चलो जल्दी, हमें 1 बजे का टाइम दिया है। बकोला में चंद्रकांत अपनी बीवी को जलाकर मारना चाहता है, हमें उसका आंखों दिखा हाल शूट करना है, सिर्फ आधा घंटा बाकी है। अरे बाबा वो तो कभी का पोस्टपोन हो गया, पिछले 4 दिन से राशन की दुकान में केरोसिन ही नहीं है। चलो चलो, रास्ते में वो ट्रक वाला बोला था ना एक्सीडेंट करने वाला है, उसका लाइफ कवरेज करना है। कमो 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 भैया। अरे चंबल जा रहा हूं।
चंबल में कहा तूफान नंबर 211 डाकू वो इंस्पेक्टर उसे पकड़िए वो है तो फिर ये दोनों कौन है हम दोनों कौन है आप समझेंगे जिस वक्त आप हमें 50,000 का इनाम देंगे इस वक्त इन दोनों को पकड़िए ये डाकू मशहूर सिंह के साथी हैं अच्छा ए उठो उठो ज्यादा बनो मत तुम्हारा भी खेल खत्म हो गया उठो आइए इंस्पेक्टर साहब बैठो बैठो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जब बैंक में टीवी शूटिंग के प्रोटेक्शन के लिए गई तब बैंक के सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ने मिलकर खतरनाक डाकू मशहूर सिंह और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने मिस्टर भीम सिंह के पास से एक बगैर लाइसेंस का पिस्तौल उसी का था और मिस्टर भवानी सिंह के पास से बोरे में रखा हुआ बैंक का रुपया बरामद किया क्योंकि इन दोनों ने पुलिस के काम में मदद की इसलिए इन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया और इन्हें छोड़ दिया गया और वो 50,000 रुपए का इनाम पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 रुपए का हकदार बैंक का चौकीदार मैनेजर और पुलिस की बेकार गई चल भाई एक मिनट बैंक में ये 5 रुपए 12 आने का चेक मिला है मिस्टर भीम सिंह के नाम हालांकि हम इसे जब्त कर सकते थे लेकिन हमने फैसला किया है कि इसे आपको वापस लौटा दिया जाए लीजिए ये लो इनाम 5 रुपया 12 आना शर्लक होम्स